हेलो दोस्तों, आप सभी का ट्राई टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ कार्डबोर्ड के पीसेस लिख लिए हैं जिसकी डायमेंशन इसी पर मैंने मेंशन कर दिया है, तो इसी को आप देख करके कट कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कैसा पंखा बनाने वाले जो कि सभी रिचार्जेबल पंखों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आपने शायद पहले कभी ऐसा यूट्यूब पर वीडियोज़ देखा होगा। तो पहले हम इन पीसेस एक बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो इसको चिपकाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ अलग जुगाड़ का यूज़ किया है, एक नया जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास दोस्तों यार जो हमारा गोद था, ग्लू गन था, वो खत्म हो चुका था, तो मैंने इसको अलग जुगाड़ से यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। और मैंने यहाँ पर दो और कार्डबोर्ड के पीसेस कट कर लिए जिसकी लंबाई चौड़ाई अब मैंने यहाँ पर को दिखा दिया है। यहाँ पर अब करना क्या है, इन दोनों को आपस में कुछ इस प्रकार से रख कर स्टेपलर से हम इसको चिपका देंगे। जैसा वीडियो में दिखाया गया है उसी प्रकार से आपको करना है। तो इस पर थोड़ा सा हम फेविक भी डाल देंगे ताकि और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए। तो मैंने यहाँ पर एक जो कि पेंसिल का जो पेन का रिफिल होता है ना, उसका यूज़ किया है। इस पर हम बिल्कुल मिडिल में इसको चिपका देंगे ताकि हम इसको अपने मोटर के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। और जो हमारा बॉक्स है उसके ऊपर का जो भाग होता है उसमें हमको एक मोटर फिक्स करना है। तो मैंने यहाँ पर 555 डीसी मोटर का यूज़ किया है। आप चाहे तो किसी भी मोटर या फिर यहाँ पर गियर मोटर आपके पास कोई हो तो आप उसका भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो गियर मोटर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमें वर्क करेगा। तो इस मोटर को इसके अंदर हम फिक्स कर देंगे और इसको यहाँ पर फेविक्स से मैं चिपका दे रहा हूँ। तो आप सभी देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे से हमारा ये हो चुका है। मैंने इसमें पावर देने के लिए दो लिथियम आयन बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। इसमें लगाने के लिए मैंने एक 5 वोल्ट का चार्जिंग पिन और एक ऑन ऑफ करने के लिए SPST स्विच मिला है। तो इस बॉक्स में सभी को फिक्स कर देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पर इन सभी को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। जो बैटरी का पॉजिटिव हमारे चार्जिंग मॉड्यूल के पॉजिटिव से और निगेटिव चार्जिंग मॉड्यूल के निगेटिव से कनेक्ट कर दिया है मैंने। तो कनेक्शन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। मोटर का प्लस हम डायरेक्ट बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर देंगे और मोटर का माइनस और बैटरी का माइनस हमारे सीधा बटन से जुड़ जाएगा ऑन ऑफ करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल वायरिंग है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब इस बॉक्स को हम यहाँ पर कर देते हैं बंद और हमारा यहीं पर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो इसको भी हम यहाँ पर पहले ग्लू से यहाँ पर चिपका देते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से, काफ़ी अच्छा इसका बॉक्स हो चुका है। बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर इसको बना दिया है, आप सभी देख सकते हो। जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर जो पंखा तैयार किया था कार्डबोर्ड का, उसको भी हम इस मोटर से लगा देते हैं। तो चलिए मैं फटाक से यहाँ पर इसकी टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आप सबको बता दूँ कि इसका यूज क्या है। सपोज कि आप दो तीन लोग बैठे खाना खा रहे हो, गर्मियों में यार खाने मक्खी आकर बैठ जाती है। अगर आप अपने थाली के आसपास इसको ऑन करके रख देते हो तो आपके जो कि थाली पर मक्खियाँ नहीं बैठेंगी। आप इसको हल्का फुल्का आपको भी हवा लगेगा इससे, ठीक है। तो इसका यही यूज है। काफ़ी छोटा सा गैजेट है लेकिन बहुत ज़्यादा यूजफुल ये होने वाला है गर्मी में आपके लिए। तो देख सकते हो कितना अच्छा ये वर्क कर रहा है। अगर और ज़्यादा टॉर्क वाला आप इसमें मोटर लगाओगे और हाई RPM का, तो ये और ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा।